आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार कप्तान मानते हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, राशिद खान की फिरकी में फंसी राजस्थान। फिर हार्दिक और सम्मी ने मचाया सिकंदर कोराम, जिसके सामने घुटने पर बैठने को मजबूर हो गया राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम। तो आपको कैसे गुजरात के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आया राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम? क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में जिसको देख हर कोई दंग रह गया? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है राजस्थान की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के रजवाड़े अपने घर पर गुजरात का स्वागत करने को पूरी तरह से तैयार थे। हार्दिक की सेना भी राजस्थान को धूल चटाने के लिए बेकरार थी। अपना पिछला मैच गंवाने वाली दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच घमासान देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों का रोमांच अपने चरम पर था। इस मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला किस कदर गलत साबित होगा इसका अंदाजा संजू को बिल्कुल भी नहीं था। और राजस्थान की ओर से पारी की शुरुआत करने बटलर के साथ जयसवाल मैदान पर आते हैं, और इन दोनों ही बल्लेबाजों से फैंस को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, और ये दोनों भी इसी उम्मीद के साथ मैदान पर आए थे। लेकिन मोहम्मद शमी से पार पाना इनके लिए आसान नहीं था। और पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी के सामने ये दोनों ही बल्लेबाज बेबस नजर आए और बड़ी मुश्किल से खुद का विकेट बचा पाए। अब ऐसे में शमी के बाद जैसे हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने को आते हैं तो दोस्त बटलर तो उनके ऊपर टूट पड़े। दोस्त ने हार्दिक का स्वागत दो शानदार चौके के साथ किया और दोस्त ने अपने तेवर गुजरात को दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने उसके बाद बटलर को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दोस्त को अपने जाल में फंसा लिया और पांड्या ने 8 के स्कोर पर उन्हें चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद संजू सैमसंग मैदान पर आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर जयसवाल जमकर कहर बरपा रहे थे। आपको बता दें, जयसवाल ने मोहम्मद शमी के खिलाफ इस कदर शानदार छक्का लगाया जिसको देखकर शमी के साथ साथ पूरा गुजरात का खेमा दंग रह गया। लेकिन जयसवाल कहां रुकने वाले थे। इसी ओवर में एक और चौका ठोककर जयसवाल ने अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक छोर से जयसवाल गुजरात के लिए गेंदबाज की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर संजू ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोस्तों, जैसे ही अगले ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने को आते हैं तो उनका स्वागत ही संजू ने चौके के साथ कर दिया, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इसकी अगली बॉल पर संजू ने एक और गगनचुंबी छक्का ठोक डाला और गुजरात की गेंदबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। वहीं गुजरात के खेमे में खौफ का माहौल था, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज पर अहम करने को तैयार नहीं थे। और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवरों तक 47 के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी हो चुकी थी और गुजरात को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, पर ये दोनों ही बल्लेबाज गलती करने को तैयार नहीं थे। अभी हार्दिक ने राशिद खान के हाथों में बॉल थमाई और इस गेंदबाज ने आते ही अपनी टीम को सफलता दिला दी। जी दोस्तों, पहली गेंद पर एक रन चुराने के चक्कर में जयसवाल रन आउट हो जाते हैं, जिसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल था। 6 ओवरों तक राजस्थान ने 50 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों अपने दो झटकों से राजस्थान उभर पाती। उससे पहले गुजरात ने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर यकीन कर पाना राजस्थान के लिए मुश्किल था। आपको बता दें, पारी का 7 ओवर लेकर आए लिटिन और सामने थे संजू। संजू ने बैक टू बैक दो चौके ठोक डाले, लेकिन उसके बाद एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संजू ने अपना विकेट गवा दिया। इसके बाद तो पूरे मैदान पर सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि संजू 30 रन बनाकर वापस लौट चुके थे और गुजरात ने इस मुकाबले पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था। दोस्तों, उनके आउट होने के बाद अश्विन मैदान पर आते हैं, पर वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। राशिद खान ने अश्विन को आउट कर राजस्थान को तहस नहस कर दिया। 9 ओवरों तक राजस्थान की टीम 67 के पार पहुंच चुकी थी, जहां उनके 4 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे और अभी से गुजरात इस मुकाबले को जीतने की कगार पर पहुंच चुका था। तभी रियान पराग के रूप में राजस्थान को बड़ा झटका लगा और केवल 69 के स्कोर पर राजस्थान की आधी टीम वापस लौट चुकी थी। इसके बाद बाकी के बचे खिलाड़ी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जुरेल 9, हिटमाइस 7, बोल्ट 15, जंपा 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान की टीम 118 रनों पर ढेर हो गई।